हमीरपुर जिला में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते पेयजल योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 188 पेयजल स्कीमों से 72 पेयजल स्कीमों पर संकट मंडरा गया है। वहीं 30 पेयजल स्कीमों में 50% तक पेयजल आपूर्ति हो पा रही है, जिससे लोगों को भी पेयजल सप्लाई तीसरे दिन दी जा रही है। जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा दिक्कत भोरंज क्षेत्र की पेयजल स्कीमों पर झेलनी पड़ रही है। यहाँ की सभी स्कीमों पर पानी का संकट बढ़ गया है। अगर हम हमीरपुर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 63 पेयजल स्कीमें हैं। विभाग की 9 स्कीमों में 50% और 5 स्कीमों में 25% पानी कम हुआ है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप से पेयजल स्कीमों पर पानी का जल संकट मंडरा रहा है। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो विभाग की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। आइए देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। जहाँ तक हमीरपुर जिला का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कुल 188 पेयजल योजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 72 योजनाओं पे आंशिक रूप से पेयजल सप्लाई में व्यवधान आया है। इनमें से 30 ऐसी स्कीमें हैं जो सीवियरली अफेक्टेड हैं। इनमें लगभग 50% के आसपास स्रोतों में पानी में कमी आ गई है। ऐसी स्कीमों में जहाँ पे 50% तक कमी आ गई है, वहाँ पे पेयजल सप्लाई लोगों को हर तीसरे दिन सुनिश्चित की जा रही है। और जहाँ तक इससे थोड़ी कम स्कीमों में सूखे का प्रभाव हुआ है, वहाँ पे पानी की सप्लाई राशनिंग से प्रतिदिन ही की जा रही है। और जैसा कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्री मानसून इस वर्ष लगभग 17 या 18 जून तक संभावित है, तो मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर यदि बारिश हो जाती है तो इस सूखे की स्थिति से राहत मिल जाएगी। लोगों से अपील है कि पेयजल स्रोतों में कम होने के कारण विभिन्न बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता है, तो सबसे अनुरोध है कि अपने अपने घर के पेयजल भंडारण टैंकों को सुचारू रूप से और निरंतर साफ करते रहें, ताकि उनमें कोई बैक्टीरिया इत्यादि ना पनपने पाए।